जय हिंद दोस्तों। तो ये मोबाइल है वीवो का T1 और ये 4G वाला वर्जन है। तो इसमें FRP लॉक लगा हुआ है जीमेल अकाउंट, जो जीमेल अकाउंट हम डालते हैं और फॉर्मेट मारते हैं तो जीमेल अकाउंट लग जाता है। उसको कैसे हमको बिना किसी PC से अपने हाथ से ही खुद से कैसे करेंगे, इस वीडियो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम आपको सेटअप करके दिखाते हैं। सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेना है और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग जैसे सेटअप करते हैं फॉर्मेट मारने के बाद, तो यहाँ पर ये सब सेटिंग को अलाउ कर देना है। और उसके बाद लास्ट में जीमेल मांगेंगे। जीमेल हमको याद नहीं है या पैटर्न याद नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बैक कर लेते हैं और आपको वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद एसेसिबिलिटी है, इस पर हमको क्लिक करना है। टॉक बैक है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपको नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हमको ऐसे एल बनाना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च है स्क्रीन शॉट, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। और ऊपर वाला जो ऑप्शन में आ रहा है वहाँ पे हमारा लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आकर देखिए, ये जो लैंग्वेज का लोगो बना है उस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये सॉरी इसका उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम करके आपको दिखा देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे हमको उल्टा करना है। चलिए फिर से हम ट्राई करते हैं। और यहाँ पे हमारा सेटिंग का ऑप्शन आ गया, सेटिंग पे क्लिक करना है, ये अलाउ कर देना है। और उसके बाद ये दोनों उंगली से चलेगा भाई, टॉक बैक ऑफ ऑन है। इसको ऑफ करने के लिए दोनों बटन को वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को एक साथ दबाएंगे 5 सेकंड तक, तो हमारा ऑफ ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको ऑफ कर लेना है। ये आपका मेथड हर एक वीवो के मोबाइल में काम करेगा। इस मोबाइल से आप कोई भी कर सकते हैं FRP लॉक। अब हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये बंद हो गया। उसके बाद हम इसको बैक करेंगे। ये टॉक बैक ऑफ होने के बाद इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ये बैरल डिस्प्ले है, उस पर क्लिक करेंगे, गो टू टॉक बैक। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे में आने के बाद एसेसिबिलिटी दिख रहा है, एसेसिबिलिटी मीनू, उस पर हमको क्लिक नहीं करना है, ये सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ हेल्प एंड फीडबैक। और उसके बाद यहाँ पे हमको 3 डॉट पे क्लिक करना है। एक मिनट, 3 डॉट पे, 3 डॉट पे क्लिक करना है, शेयर आर्टिकल्स, उस पर हमको क्लिक करना है। तो हम आ जाएंगे क्रोम में और ये क्रोम खोलते ही आपको एक बार बैक आ जाएगा। तो बैक आने के बाद फिर से वही करना है हमको। देखिए बैक आ गया और फिर से हम वही करेंगे, शेयर आर्टिकल, और शेयर आर्टिकल के बाद क्रोम में, उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखना है हमको एड रोम FRP बाईपास। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक एक स्टेप देखकर अच्छे से करना है, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा लोग। यहाँ पे हम लिखते हैं FRP बाईपास, उसके बाद फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद हमको सेटिंग में चले जाना है, तो हमारा डायरेक्ट सेटिंग खुल जाएगा। और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखिए T1 और ये एंड्रॉयड 14 वर्जन में है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो एंड्रॉयड 14 है और ये ISO जो वीवो का है एंड्रॉयड 14 इसमें आ गए हैं। तो चलिए हम इसको अब सिस्टम में जाएंगे, ये तो ठीक है दिखा दिए। सिस्टम में जाएंगे फॉर्मेट मारेंगे तो फॉर्मेट नहीं होगा, तो फोन क्लोन में जाएंगे। यही एक है, उस पर जो है एग्री कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू फोन एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड से क्लिक करना है। और उसके बाद ये जो परमिशन मांगेगा उसको अलाउ कर देना है, वो QR का स्कैन आएगा। अब हमको ज़रूरत पड़ेगा दूसरा फ़ोन को, तो दूसरा एक फ़ोन ले लेना है जो आपका मोबाइल कोई भी किसी का मोबाइल हो। और उसमें हमको चले जाना है इजी शेयर में। और इजी शेयर कहाँ मिलेगा आपको, आसानी से प्ले स्टोर में जाकर इजी शेयर लिखिएगा तो हमारा इजी शेयर आ जाएगा। यहाँ पे आप करके दिखाए थे, हम ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। एक एक स्टेप देखिए अच्छे से हम बता रहे हैं, आपका 100% काम होगा ये बिना किसी PC के। अब हम इजी शेयर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये फ़ोन क्लोन में और यहाँ पे इसमें QR आएगा। QR एक जनरेट होगा, जैसे शेयर इट से शेयर करते हैं कुछ फाइल, वैसे ही ये भी एक शेयर है, शेयर करना है हमको एक फाइल। तो ये स्कैन कर लेना है इस मोबाइल से, पर इसमें क्लोन फ़ोन में जाकर ही शेयर करना है, शेयर फाइल नहीं जाना है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, ये फिर कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद तो हमको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगा, वो एक फ़ाइल इसमें हम
ऑलरेडी डाल चुके हैं, पर आपको बता देते हैं कि ये इसको पहले सबसे पहले हम अनटिक कर लेंगे और एक ऐप में जाएंगे। ऐप में जाने के बाद यहाँ पे एक फाइल है एक्टिविटी लॉन्चर, इसको क्लिक करना है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये भी आपको प्ले स्टोर में जाकर एक्टिविटी लॉन्चर लिखेंगे तो हमारा एक्टिविटी लॉन्चर आ जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेना है। और ऐसे ही इसको इस एप्लीकेशन को शेयर कर देना है इजी शेयर से, ठीक है, समझ में आ चुका। तो चलिए इसको हम शेयर कर लेते हैं। आप तो शेयर करने के बाद यहाँ जो फिंगर मांगेगा फिंगर अलाउ कर देना है, बाकी और जो कुछ परमिशन मांगेगा वो दे देना है। फिर यहाँ पे इसको अब मोबाइल का काम ख़त्म हो चुका है, अब इसको साइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं मेन हमारा FRP जो लॉक लगा है उस मोबाइल पे। तो यहाँ पे जाएंगे, अरे ऐप में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लोडिंग होगा एप्लीकेशन, और लोड होने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। और यहाँ पे अब नीचे से देखिए अच्छे से ये एंड्रॉयड सेटअप है, उस पर हमें क्लिक करना है। थोड़ा सा और नीचे आने के बाद आपको दिखाते हैं, इसको बैक कर लेते हैं। सबसे पहले एक और काम जरूरत आ गया कि हमको एसेसिबिलिटी मेनू ओपन कर लेना है। मान लीजिए आपका काम फिर से करना पड़े तो इतना तामझाम करना ना पड़े, डायरेक्ट आप आ सकें। इजी टच है, इसमें क्लिक करेंगे और उसके बाद कस्टमाइज मेनू में जाना है और इसमें हमारा शॉर्टकट की में डाल देना है कि एक्टिविटी लॉन्चर। मान लीजिए आप काम किए फिर से वो बैक आ गया तो फिर हमको उतना तामझाम करके फिर से हमको सेटिंग में आना पड़ेगा। यहाँ से डायरेक्ट हम इस एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, ठीक है, ये करने का मकसद है। तो फिर हम चलते हैं अब फिर से उसी फ़ोन क्लोन में, और फ़ोन क्लोन में जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसको रन करेंगे और एंड्रॉयड सेटअप में जाएंगे। सेटअप में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आ चुका है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट कीजिएंगे। और ये अच्छे से देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप अच्छे से एक भी स्किप मत कीजिएगा लोग, थोड़ा सा भी यहाँ पे अच्छे से देखना है। तो इसको हम सेटअप करते हैं, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे डोंट कॉपी में नहीं, नेक्स्ट करना है, विदाउट केबल करना है और उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको वो मांगेगा पासवर्ड, पासवर्ड याद नहीं है तो फिर हमको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है, इसके बाद देख लीजिए ये वाला ऑप्शन आपको आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन आएगा तभी जगह आप कुछ कर सकते हैं, ये वाला जैसे जैसे बताएं वैसे आप करके आना है। चलिए अब हम दूसरा मोबाइल ले लेते हैं, और दूसरा मोबाइल लेने के बाद इसमें हमको चले जाना गूगल में और यहाँ पर बोलना है हमको सेटअप माई डिवाइस। तो ये हमको बोलने के बाद ये मोबाइल हमको स्कैन करना है और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे हम नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये वेट कर लीजिएगा लोग। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, ये कनेक्ट हो जाएगा आपस में। और ये आपका जितना भी जीमेल है ये वाला मोबाइल में, ये सारा जीमेल आपके FRP वाला मोबाइल में आ जाएगा। तो जितना जीमेल है ये ऑटोमेटिक सब लॉग इन हो जाएगा इस मोबाइल में। तो इसमें भी टाइम लगेगा 10 मिनट के करीब में, वेट कर लेना है। और बाद में आप चाहे तो मोबाइल ऑन होने के बाद जाकर जीमेल हटाकर फिर से फॉर्मेट मार सकते हैं, उसके बाद जीमेल नहीं लगेगा। तो ये सेटअप करने के बाद फिर पहले जीमेल हटाकर तब फॉर्मेट मारिएगा, ठीक है। और ये डाटा आपका सारा इसमें चला जाएगा और फिर उसके बाद FRP जैसे हटता है वो हट चुका है। और इसको दिखा देते हैं आपको ये कैसे करना है। यहाँ पर इसमें काटना नहीं है, पूरा कॉपी होने देना है और उसके बाद ये वाला नहीं कॉपी करना है, डोंट कॉपी पर क्लिक करेंगे। बस जीमेल हमको जाना है, बस फोटो वोटो उसमें ना जाए। और उसके बाद ये वाला अब मोबाइल का काम ख़त्म हो चुका है, अब डायरेक्ट इस पे आते हैं। अब इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जैसे को मोबाइल सेटअप करते हैं, यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे स्किप कर लेंगे, लॉक जो स्क्रीन मांग रहा था पहले, अब ये लॉक नहीं मांग रहा है। और इसको जैसे सेटअप करते हैं मोबाइल जैसे लेने के टाइम में, वैसे हमको अब सेटअप करना रहेगा। हमारा FRP लॉक हट चुका है तो एक एक पॉइंट आपको देखकर अच्छे से करना है, 100% काम कर जाएगा। और उसके बाद दूसरा में आपको ये है कि आपका ये लॉगिन होने के बाद अपने मोबाइल में जैसे सेटअप करने के बाद सेटिंग में जाके अकाउंट में जाकर
ये सारा जीमेल हटा सकते हैं। आपका जो दूसरे मोबाइल से जो जीमेल इसमें लॉगिन हुआ है वो लॉगिन को आप जाकर हटा सकते हैं, और हटाने के बाद फिर से इसको रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट कीजिएगा तो लोग, तो इस बार आपका FRP लॉक नहीं लगेगा 100%। और कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा लोग, इससे कोई समस्या आ रहा है, बीच में कहीं रुकावट हो रहा है कि हमारा काम ये नहीं हो रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा लोग, हम ज़रूर हेल्प करेंगे आप लोगों को। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए लोग, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं मोबाइल से जुड़ी। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पे हमारा काम डन हो चुका है।